एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। काफ़ी टाइम के बाद में मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ और आज मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू आप सभी के साथ में शेयर नहीं करने वाली हूँ। और मैं आज आपको नेचुरल तरीके से आप किस तरीके से अपनी स्किन की केयर करें, और अभी जैसे कि विंटर आने वाली है, विंटर में आप किस तरीके से अपनी स्किन को पैम्पर करें, वही मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि अभी जो मेरी आप स्किन देख रहे हैं, इस पर मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक लिपस्टिक अप्लाई की हुई है। और आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्लो आया है मेरी स्किन पर। उस प्रोसेस को मैंने जब किया तो मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आया, तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से अपनी स्किन को क्लीन करूँगी वो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। यहाँ पर मैंने बादाम का पाउडर लिया है, कच्चा दूध लिया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने ली है जो कि मैं आगे आपको करके दिखाऊंगी, और उसी दौरान मैं आपको इन सभी चीज़ों के नाम भी बताऊंगी। और इस वक्त आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, काफ़ी डल सा लग रहा है मुझे, और मैं ये कच्चा दूध ले रही हूँ। और कच्चा दूध आपको सुंदर चमकदार त्वचा देता है, यह त्वचा को हाइड्रेट करके स्किन को ड्राइनेस से बचाता है। कच्चे दूध में लैक्टोज प्रोटीन होता है जिसकी वजह से यह स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। कच्चा दूध एक अच्छा टोनर और एक अच्छा क्लिंजर है। कच्चा दूध त्वचा को बहुत अच्छी तरह से साफ भी करता है। और मैं इस तरीके से कॉटन बॉल की हेल्प से कच्चे दूध से अपने फेस को साफ कर रही हूँ, और आपको बहुत ही धीरे धीरे से ये काम करना है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्किन को साफ़ कर लिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक वेट टिश्यू से अपने पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी और सारी डर्ट निकाल लूँगी जो कि कच्चे दूध ने साफ़ कर दी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधी चम्मच बादाम का पाउडर, और उसमें मैं आधी से थोड़ी कम कॉफ़ी में इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं पिसी हुई शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी मैंने इस्तेमाल की है, इसमें लगभग आधी चम्मच, आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें ऐड की है। और यहाँ पर इन तीनों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। बादाम में होते हैं विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स जो कि स्किन में एजिंग और कालेपन को दूर करते हैं और स्किन में निखार लेकर के आते हैं। और शुगर में होते हैं एंजाइम और अमीनो एसिड जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, साथ ही साथ स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। और कॉफ़ी में कई एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो कि स्किन की डलनेस को दूर करते हैं। एलोवेरा में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है जो कि कील मुहासों की समस्या से स्किन को निजात दिलाता है। और यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल डाला है लगभग आधी चम्मच, आप देख सकते हैं। और हनी मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून। हनी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दाग धब्बे, कील मुहासे, झुर्रियों को कम करते हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर रॉ मिल्क इस्तेमाल किया है, और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और मिक्स करते हुए मैं इसको एक पेस्ट बना लूँगी। और ये हमारा स्क्रब तैयार हो गया है, और इसे पूरे फेस पर मैं लगा रही हूँ, और इसकी लगभग आपको मसाज करनी है 2 मिनट तक। हल्के हल्के हाथों से आपको पूरे फेस पर, और आप चाहें तो इसे नेक पर भी कर सकते हैं। और आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये स्किन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करता है ये स्क्रब, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसे। और ये जितने भी इन्ग्रीडियंट मैंने इसमें शामिल किए हैं ये कहीं ना कहीं स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर के आते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और अब जो थर्ड स्टेप हम करेंगे वो है पैक का। पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून हनी में 1 टीस्पून रोज़ पेटल पाउडर ऐड किया है, और साथ ही साथ में हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर रॉ मिल्क डाल रही हूँ, और इसी के अंदर मैं 2 ड्रॉप्स लेमन जूस की ऐड करूँगी, और 1 ड्रॉप ही मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल डालने वाली हूँ। और हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है ये ऑलिव ऑयल, आप किसी भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली नहीं है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बादाम का ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देख लीजिए आप किस तरीके से हमारा फेस पैक बनकर के तैयार हो गया है।
और अब मैं इसे अपने फेस पर लगाने वाली हूँ। क्लिंजिंग और स्क्रबिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा स्किन क्लीन हो जाती है, और उसके बाद में हमें पैक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैक लगाने से जितनी भी चीज़ें हमने अप्लाई की हुई होती है हमारे फेस पर, तो वो सारा कुछ सेट हो जाता है। फेस पैक लगाने के बाद में बहुत ही अच्छा ग्लो आपको देखने को मिलता है, और ये सारी चीज़ें नेचुरल है, तो कहीं से कहीं तक भी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचने वाला है इन सब चीज़ों से। और रोज़ से बनी हुई चीज़ें स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए आप भी किसी न किसी वे में रोज़ से रिलेटेड चीज़ों का उपयोग करें अपनी स्किन और बालों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और इस तरीके से मैंने इसे लगा लिया है। और आपको ये फेस पैक लगभग 10 मिनट तक लगा करके रखना है अपने फेस पर, और उसके बाद इसे वॉश करना है। और मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ड्राई करना है धीरे धीरे से। और आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो आया है स्किन पर, हेल्दी ग्लो है। और घर पर आसानी से मिलने वाली कुछ चीज़ों से आप इस तरीके से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, और ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं हमारी स्किन को। और उसके बाद में कोई भी टोनर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप टोनर की जगह रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दीजिए। और उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मैं निविया का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, और अच्छे तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और काफ़ी सिंपल से इंग्रेडिएंट है, और ये सभी के घरों में अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी के घर पर नहीं हो अवेलेबल, और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। किचन में ऑलमोस्ट कुछ सामान आपको मिल जाएंगे जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, और सिर्फ रोज़ पेटल जो पाउडर है ये मैंने घर पर ही तैयार किया है, और इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। आप गुलाब के फूल लेकर के आइए बाज़ार से, और उन्हें लाकर के आप एक एक पेटल को आपको निकालना है, और निकालने के बाद में आप उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में आप उसे धूप में कुछ दिन के लिए रख दीजिए, या धूप भी नहीं है तो वो छांव में भी बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं, तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखने के बाद में उन्हें पाउडर बनाकर आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, और आप इस तरीके से आप जो भी DIY बनाना चाहते हैं वो आप इससे तैयार कर सकते हैं। और रोज़ से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देती है स्किन और बालों के लिए, तो आप भी अपनी स्किन और बालों के लिए रोज़ पाउडर या रोज़ वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि आपकी स्किन नेचुरली ही हेल्दी नज़र आए। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए।